बस के बारे में हम जानेंगे। व्हाट इज अ बस? बस इज यूज्ड टू ट्रांसमिट अ बाइनरी नंबर। बस क्या होता है? जीरो और वन की लैंग्वेज में ये काम करता है, मतलब जो आपका डाटा होता है वो ट्रांसफर करता है जीरो और वन की लैंग्वेज में, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे। जब आप कट कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपका डाटा वहाँ उस फोल्डर से उस फोल्डर तक जाने के लिए कैसे जाता है, वो बस की हेल्प से जाता है। थ्री टाइप की बस होती है, बिट बस, डाटा बस और कंट्रोल बस। बिट बस क्या है? एड्रेस बस। और डाटा बस क्या होती है? डाटा को ले जाने का काम करती है। और कंट्रोल बस क्या होती है? इन दोनों बसों को कंट्रोल करने का काम करती है। बिट बस जहाँ से आपने कॉपी किया और जहाँ पे आप पेस्ट करेंगे उसका एड्रेस लेती है, और डाटा जहाँ से आप चढ़े हो और जहाँ तक आपको जाना है, मतलब जहाँ से आपने डाटा को कॉपी किया और जहाँ पे आप पेस्ट कर रहे हो उसका भी, वहाँ से डाटा को लेके जाती है। और कंट्रोल बस इन दोनों बसों को कंट्रोल करती है, कहीं ये दोनों बसें जो है गलत वॉक तो नहीं कर रही है, मतलब रॉन्ग पाथ पे तो वॉक नहीं कर रही है। टाइप ऑफ मेमोरी। मेमोरी दो तरीके की मेमोरी होती है, एक मेन मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी में आपकी रैम आ जाती है, कैशे आ जाती है और रोम आ जाती है। रैम के अंदर ही कैशे होती है नॉर्मली। मेमोरी ऑफ सेकेंडरी मेमोरी मैग्नेटिक मीडिया डिवाइस और ऑप्टिकल मीडिया डिवाइस, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, सीडी और डीवीडी। अब मेन मेमोरी में मेन मेमोरी क्या होती है और ये सब डिवाइसेस क्या हो गया होता है वो हम आगे जानेंगे। व्हाट इज मेन मेमोरी? मेन मेमोरी दैट ऑल कंप्यूटर हैव अ मेन इंटरनल मेमोरी टू स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा विद कंप्यूटर इज रनिंग। मेन मेमोरी क्या होती है? मेन मेमोरी में आपकी सबसे पहले रैम और रोम और कैशे। रैम, ये मेन मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी कह देते हैं, इनको हम स्टोरेज के लिए यूज नहीं करते, ये टेम्पररी डाटा स्टोर करती है बस। अब रैम आपको प्रोसेसिंग के लिए जरूरी होता है, जैसे आप एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, मतलब एक वायर से अगर आपको दूसरी जगह वायर जा रही है और बीच में से मैं तार काट दूँ तो करंट तो सप्लाई नहीं होगा बीच में दोनों के, तो इसलिए क्या है रैम भी जो आपका मदरबोर्ड होता है मदरबोर्ड के अंदर रैम लगी होती है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का भी काम करती है जो आपका रैम रैम ही वर्क करती है, तो इसलिए क्या है मतलब विदाउट रैम के आपका सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा। तो मेन मेमोरी के अंदर क्या है रैम है, और रोम क्या होती है? रोम भी इंटरनल मेमोरी होती है, रीड ऑनली मेमोरी, और रैम क्या होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड ऑनली मेमोरी ये क्या होता है, ये डिफॉल्ट आता है, जैसे कस्टम आप मोबाइल के अंदर रोम जानते हो जो एक्सटर्नल स्टोरेज होता है उसे हम मतलब स्टोरेज जो होता है उसे हम रोम कहते हैं। बट रोम यहाँ पे क्या है एक बायोस होता है, बायोस के अंदर रोम होता है, इसके अंदर ये सारी आईआरक्यू फाइल वगैरह रखता है, मतलब क्या क्या आपने जो है सिस्टम्स के अंदर क्या मतलब जो भी आपके पार्ट्स हैं उनकी सारी डिटेल अपने अंदर रखता है, और जब आपका सिस्टम स्टार्ट हुआ था कब आपका सिस्टम बंद हुआ था सारी की सारी डिटेल अपने पास रखता है, और जब आपका सिस्टम बंद हुआ था तब भी ये चालू रहता है। ये चालू कौन रखता है? जो आपका सीमोस होता है, सीमोस जो आपका सेल होता है उस सेल के अंदर इसको करंट सप्लाई करता रहता है, इसीलिए जब आप सिस्टम ऑन करते हैं तो डेट एंड टाइम नॉर्मली आपको मैन्युफैक्चर्ड मिल जाती है। उसके बाद है व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज स्टोरेज डिवाइस आर यूज्ड टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली। देयर आर अ वेरियस टाइप ऑफ अ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? ये आपका परमानेंटली डाटा स्टोर करने का काम करती है, बहुत सारा डाटा आपका स्टोर कर सकते हैं, मतलब जितनी आपकी हार्ड डिस्क होगी सिस्टम की उतनी ज़्यादा ये आपका डाटा स्टोर कर सकता है। अब मेन मेमोरी के अंदर दो चीज़ें हैं, सॉरी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपकी दो चीज़ें हैं, मैग्नेटिक मीडिया डिवाइस और ऑप्टिकल मीडिया डिवाइस। अब मैग्नेटिक मीडिया डिवाइस के अंदर आपकी एक चीज़ फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। मैग्नेटिक मीडिया डिवाइस के अंदर ये दोनों चीज़ें क्या है काम कर किस पे कब वर्क करती हैं? मैग्नेट पे काम करती हैं। फ्लॉपी डिस्क आपकी पहले आती थी ब्लैक कलर की कैशेट जैसी होती थी, इसकी जो हाईएस्ट स्टोरेज होती है 1.44 MB होती है, और हार्ड डिस्क आपके जानती हूँ हार्ड डिस्क कैसे होता है, हार्ड डिस्क के अंदर भी मैग्नेट लगी होती है, स्पिंडल मोटर होता है, स्पिंडल मोटर जब घूमती है घूमने के बाद जो उसके अंदर प्लेटर लगे होते हैं प्लेटर के अंदर वो रीड राइट करती रहती है। और ऑप्टिकल मीडिया डिवाइस क्या होते हैं? सीडी डीवीडी पेन ड्राइव, मतलब जो भी आप एक्सटर्नल से यूज कर रहे हो आपके लिए क्या है ऑप्टिकल मीडिया डिवाइस। हार्ड डिस्क यूनिट्स, सबसे पहले यूनिट्स 6 निम्बल होते हैं, 6 निम्बल में 1 बिट होती है, 8 बिट में 1 बाइट होती है, 1024 बाइट में 1 KB होती है, KB का फुल फॉर्म होती है किलोबाइट, 1024 KB में 1 MB होती है मेगाबाइट, 1000 MB में 1 GB होती है गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट में 1 TB होती है, 1024 TB में 1 PB, 1024 PB में 1 HB, 1024 HB में 1 JB, 1024 JB में 1 YB, 1024 YB में 1 BB, 1024 BB में 1 JB। ये आपकी क्या है हार्ड डिस्क की स्टोरेज है, मतलब स्टोरेज यूनिट्स हैं जो भी आप डाटा स्टोर करते हैं GB में MB में, ये स्टोरेज यूनिट्स होती हैं।
व्हाट इज मेमोरी सेल? मेमोरी सेल मैं आपको डीपली बता देता हूँ, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क के अंदर एक प्लेटर होता है, प्लेटर के अंदर मतलब एक कैसेट टाइप की होती है और उसके अंदर प्लेटर बनते हैं, प्लेटर के अंदर ट्रैक्स बनते हैं, ट्रैक्स के अंदर जो है सेक्टर बनता है। इस सेक्टर के अंदर डाटा कैसे स्टोर होता है ये बता रखा है मेमोरी सेल के अंदर। मेमोरी सेल मे बी डिफाइंड एज अ डिवाइस विच कैन स्टोर अ सिंबल सेलेक्टेड फ्रॉम अ सेट एज सिंबल। जो आपका मतलब प्लेटर होता है, प्लेटर सेक्टर होता है, सेक्टर के अंदर डाटा स्टोर होता है बिट सेल की फॉर्मेट में, मतलब जीरो और वन की लैंग्वेज में आपका डाटा उसके अंदर स्टोर होता है।